Not bad. चार्ज होने के लिए रखें तो ये भाई बाहर तो यहाँ मिलता ही नहीं है, वैसे तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है, अंधेरा कर दूंगी तो। ये देखो दोनों बच्चे हम लोग आज मतलब सेलिब्रेट करेंगे। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज हैप्पी दिवाली, दिवाली के इस शुभ अवसर पर आप सभी को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, आपके और आपके परिवार को, सबको हैप्पी दिवाली। दिवाली का ये त्यौहार हम सबके लाइफ में बहुत सारी खुशियां लेकर आए और सारे बैड चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें जो है ना हमारे लाइफ से एकदम हमेशा के लिए दूर हो जाए। सो हैप्पी दिवाली वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू मेरे लवली व्यूअर्स को। और आज का ये ब्लॉग बिल्कुल छोटू सा ब्लॉग बनने वाला है, बस मैं आप लोगों के साथ छोटा सा ब्लॉग शेयर करूंगी कि हम लोग कैसे घर पर दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज है मंडे और ऑफिस डे है, इसलिए छुट्टी नहीं है शिप का और हम लोग कहीं भी बाहर नहीं जाने वाले हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि मेरी फ्रेंड है यहाँ पे, तो उसको जस्ट आज ही के दिन में उसको बेबी बॉय हुआ है, बहुत ही क्यूटी पाई सा। तो मेरी फ्रेंड की जो बेटी है, बड़ी है, तो वो हमारे साथ यहाँ पर है। हमने सोचा घर पर ही हम सेलिब्रेट करेंगे, तो इसलिए आज हम घर पर ही रहेंगे और बहुत ही मज़े से सेलिब्रेट करेंगे। और आज के दिन में बेबी बॉय आया है तो सब लोग बहुत खुशी है और मेरी फ्रेंड भी बहुत खुश है, तो उनके घर में भी बहुत सारी खुशियाँ आ गई है एक ही साथ में आज के दिन में। हम लोग आज मतलब सेलिब्रेट करेंगे, तो चलो पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि छोटा सा डेकोरेशन कैसे किया। थोड़ा सा ही किया मैंने, बहुत ज़्यादा नहीं, जितना यहाँ पे हो पाया उतना ही। तो चलो दिखाती हूँ डेकोरेशन। तो सबसे पहले भगवान जी के रूम से यहाँ पे ये लाइट हेजी क्यों आ रहा है, यहाँ पे ये वाला लाइट शिव ने लगाया है अभी अभी, क्योंकि बाहर है ना, अंधेरा नहीं हुआ है इसलिए अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है। अंधेरे में मैं एक बार और दिखाऊंगी। तो यहाँ से लाइट को दोनों विंडो में इस तरीके से लगाए हैं, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा ही लगाया। अभी और लाइट्स एक्चुअली लगाने हैं, क्रिसमस के पहले और लाइट्स हम लोग लेंगे, तो उस टाइम पे लेने के बाद मैं फिर से शेयर करूँगी क्रिसमस डेकोरेशन भी। और देखो ये देखो दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हो बच्चा पार्टी? तो देखो ये दोनों बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, कितना सुंदर सुंदर कलर किए हैं। देखो सानवी तुम्हारा कलर कहाँ है दिखाओ, वाह देखो ये सानवी ने बनाया है, वेरी नाइस। और ये वाला जेलिशा ने बनाया है, ये भी बहुत ही अच्छा। इसको देखो, इसको ठंडी नहीं लग रहा, पता नहीं कहाँ से ओल्ड ग्रैंडमा के क्लोजेट से निकाला हुआ ड्रेस लग रहा है बिल्कुल। सीरियसली जलीशा, नो 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 नो, डोंट कलर नहीं फेंकना। चलो हो गया ना तुम लोग का, ये मैं हटा देती हूँ अभी, नहीं तो ये पूरा सोफा में जाएगा। और ये है मेरा डेकोरेशन। यहाँ पे मैंने ऐसे डेकोरेट करके रखा है और इसको अभी थोड़ी देर में अंधेरे होने के बाद जलाएंगे। और कुछ लाइट्स और भी हैं तो इसको भी लगाने वाले, इसका बैटरी अभी चार्ज होने के लिए रखें तो ये भी लग जाएगा, ये ऐसे वाला लाइट है। चलो रेडी होना है, चलो बच्चा पार्टी रेडी हो दोनों, चलो। तो सानवी के पापा आएंगे थोड़ी देर में उसको लेने के लिए। सानवी हैप्पी, सो सानवी सानवी इज वेरी एक्साइटेड टू मीट हर ब्रदर। ये सो बेबी ब्रदर मे बी कल आ जाएगा घर, तो कल मिलना, आज तो पापा आएंगे। चलो तो इन लोग मस्ती कर रहे हैं दोनों बच्चे, और अभी मैं जा रही हूँ रेडी होने, रेडी होने के बाद फिर मैं मिलती हूँ। और इन लोगों का मस्ती खत्म नहीं होगा, लास्ट 3 डेज से लोग फुल ऑन मस्ती मूड में है, स्लीप ओवर कर रहे हैं दिन भर, मतलब लोगों का चले जा रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है इन लोगों को भी देख के। तो चलो पहले फटाफट से रेडी होती हूँ, उसके बाद मैं मिलती हूँ। चलो आई एम रेडी। सो दिवाली के लिए मेरा गेटअप ये है, देखो सिंपल सी, सिंपल सा अनारकली स्टाइल वाला कुर्ती पहनी हूँ मैंने, और इसका शॉपिंग हॉल वीडियो मैंने बनाया था, अगर नहीं देखा हो तो प्लीज़ चेक कर लेना। और ये रहा मेरा आज का लुक, सिंपल इयररिंग मैंने ऐसे वाले पहने हैं और दैट्स इट, बस और कुछ भी नहीं किया। और घर पे देखो शिव ने यहाँ पे लाइट लगा दिया है, तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है, अंधेरा कर दूंगी तो और ज़्यादा अच्छा दिखेगा।
तो चलो नीचे चलते, नीचे जाके दिया कैंडल्स जला देते। यहाँ मुझे दिया नहीं मिले, बट नेक्स्ट टाइम से मैं अगर मैं इंडिया गई तो कोशिश करूंगी वहां से लेके आऊं। और एल्स यहाँ पर क्ले मिलता है, मतलब मिट्टी मिलते हैं, अमेजोन में मैंने देखा है। तो मैं अगर मैं नहीं खरीद पाई तो मैं घर पे ऑर्डर करके उससे बना लूंगी। तो चलो नीचे चलते हैं और सेलिब्रेट करते हैं दिवाली। तो देखो यहाँ का डेकोरेशन हो गया है कंप्लीट। शिव ने लगा दिया यहाँ पे लाइट, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है देखने में। वहां का भी दिखा देती हूँ, ये भगवान जी क्या का, ये देखो। तो चलो पहले भगवान जी के यहाँ दिया लगा देते हैं। क्विक में मैंने थोड़ा सा खीर बना लिया है सेवई वाला, और उसमें मैंने थोड़ा सा खजूर वाला गुड़ मिक्स किया है, तो इससे ना बहुत टेस्टी बनता है ये खीर। तो स्वीट्स में बस यही है, मैंने कोई स्वीट इस बार नहीं बनाया है घर पे, और ना ही बाहर, तो यहाँ मिलता ही नहीं है। वैसे भी इंडियन शॉप में मिलता है बट नहीं लेके आए, तो बस इतना ही बनाया, ज़्यादा मीठा नहीं खाएंगे इसलिए। और इधर चल रहा है डेकोरेशन, ये देखो। तो यहाँ पे ये भी रेडी है, तो सभी हम लोग जलाएंगे इसको। जलीशा भी रेडी है, सानवी भी रेडी है, सब लोग रेडी, बस दोनों जैम ब्रेड जैम खा लो, जल्दी से भूख लगी थी इन लोगों को। यू आर नॉट हंग्री। इन लोगों का जैसे ही खत्म होता है डेकोरेशन, उसके बाद सारे कैंडल्स मैं जला दूंगी। तो यहाँ पे ये छोटे छोटे वाले ऐसे वाले दिया है, तो इसमें मैंने कटोरी में पानी डाल के ना थोड़ा थोड़ा सा कलर, डिफरेंट कलर का डाल के और ऐसे करके बनाया है। खाना बनाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं है आज, इसलिए मैंने कुछ नहीं बनाया है। तो इसलिए आज हम लोग ऑर्डर करेंगे बाहर से, तो आज हम लोग बाहर से खाने वाले हैं। तो यहाँ पे है शिव, हेलो बोल दो। हेलो, हैप्पी दिवाली टू ऑल द व्यूअर्स एंड देयर फैमिली, कीप एंजॉयिंग दिवाली। हैप्पी दिवाली बोलो सब लोग, हैप्पी दिवाली बोलो, हैप्पी दिवाली एवरीवन। चलो फटाफट से अभी हम लोग जलाएंगे कैंडल्स। जलीशा यू वांट टू ईट एंड फिनिश इट। इसलिए सानवी बहुत हैप्पी है, ये चलो जाके देखो और फिर बताना आगे मुझे कैसा लग रहा है। तो ऊपर से चलो मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ ऊपर विंडो में कैसा लग रहा है। तो ये देखो ये कैसा लगा मेरा डेकोरेशन बताना। यहाँ मुझे रंगोली नहीं मिली तो मैं नहीं डाल सकी, अदरवाइज मुझे रंगोली डालना बहुत पसंद है। जब मैं अपने मायके में थी शादी के पहले, बहुत बड़े बड़े रंगोली मैंने बनाए, बहुत बड़े बड़े रंगोली हम सब मिलके डालते थे बिल्डिंग में, हर कोई अपने अपने बिल्डिंग के पास में, घर के पास में डालता था। और मतलब काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन होता था कि किसकी रंगोली सबसे मतलब बेटर है, खूबसूरत है। तो हम लोग है ना बहुत ये सब किए हैं, बट अभी वो सारी चीज़ें मैं बहुत मिस करती हूँ। लेकिन ठीक है, जब जैसा तब वैसे ही हमें सेलिब्रेट करना है। तो यहाँ यूके में इसी तरीके से हम दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। तो इंडिया में तो अब रात हो चुकी है, यहाँ पे अराउंड 7:30 ऐसा बज रहा होगा। तो इंडिया में अभी काफ़ी रात हो चुका है, मेरे ख्याल से 11:30 बज रहे होंगे। तो वहाँ पे ऑलरेडी दिवाली मन चुकी है, पूजा हो चुका है, और बंगालियों का आज काली पूजा भी है। तो कालीबाड़ी में काली पूजा भी होता है, और होल नाइट बंगालीज लोग ना बहुत मस्ती करते हैं, और फिर रात में काली पूजा के बाद में खिचड़ी बनती है, खीर बनता है, और उसको भोग में सबको दिया जाता है।
तो हर कालीबाड़ी में ही बंगालियों का भीड़ है और पूजा करते हैं और बहुत अच्छा लगता है। तो मतलब ये सारे फेस्टिवल्स है ना, जब भी आते हैं तो बहुत ही इमोशनल सा लगता है कि हम अपने फैमिली को मिस कर रहे हैं, इंडिया को मिस कर रहे हैं। तो यहाँ यूके में रह के भी हम अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हम लोग बस घर पे ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। चलो बाहर से देखा आप लोगों ने कैसा लगा? अच्छा लग रहा है। चलो दिखाती हूँ हम लोगों को भी। वो देखो अच्छा लग रहा है ना, मस्त लग रहा है। ये देखो, और बाकी लोगों का विंडो कुछ नजर ही नहीं आएगा क्योंकि पूरा अंधेरा है। ये देखो, वो देखो सानवी दीदी, वो देखो सानवी दीदी। वाओ, व्हाट आई एम कमिंग अ मिनट। नाउ लेट्स सी द फ्रंट। चलो अंदर फ्रंट साइड देखते हैं। हाँ चलो फ्रंट भी देख लेते हैं। लाइट जला दो क्योंकि पता ही नहीं चलेगा। नहीं ऊपर है ना। अच्छा तो ये देखो, ये हमारा विंडो दोनों अच्छा लग रहा है। ये भी नॉट बैड। वेट आई एम कमिंग अ मिनट, आई एम गोना कम टू कैप्चर द होल हाउस दिस टाइम, फ्रंट बैक एंड द मिडिल। सो अभी और लाइटिंग होंगे क्रिसमस के पहले, और भी कुछ कुछ हम लगाएंगे ऐसा प्लान तो है, देखते हैं। और दोनों जा रहे हैं ऊपर फिर से। तो हमारी तो दिवाली इसी तरीके से मन रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। डेकोरेशन करते साथ ही ना अपने आप में एक बहुत ही अच्छा सा पॉजिटिव सा फीलिंग मतलब आने लगता है। इसलिए सोचो इंडिया में क्या हाल होगा अभी, मतलब कितने सारे लोग, कितने मजे, कितने खुशी सारे, मतलब पूरा ना फुल ऑन ये टाइम जो है ना पॉजिटिविटी वाला टाइम है। लाइट्स, पटाखे, रंगोली, अच्छे से अच्छे मतलब मिठाइयाँ, न्यू ड्रेसेस, फेस्टिवल्स, बहुत अच्छे लगते हैं ये सारे चीजें। और हम लोग नहीं जा पाते हैं क्योंकि इस टाइम पे हिया का स्कूल छुट्टी उतना लंबा नहीं रहता है, तो समर हॉलीडेज में ही इसलिए जाना होता है। वेट, बुझ गया क्या? धीरे से पकड़ना, एक जल जाएगा तो सब जलेगा। और जलता है इससे बेटू, बस दूर करके रखना, आग के सामने या हाथ में नहीं करना। टाइम ही नहीं मिला जाने के लिए, उसके बाद ये जलीशा फर्स्ट टाइम जला रही है। हैप्पी दिवाली। बच्चे लोगों को खाना है पास्ता, और अभी मैं जा रही हूँ बनाने पास्ता, तो फटाफट से पास्ता बनेगा। और आज का ये छोटा सा वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, फेस्टिवल एंजॉय करते जाना। अभी भाई दूज आने वाला है तो भाई दूज भी बहुत ही अच्छे से एंजॉय करो सब लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। बाय बाय बोल दो सब लोग, बाय बाय बोल। वो एक ऊपर है वो दिख नहीं रही है, बाय बाय बोल दो। बाय बाय। ओके कहाँ है वो? बाय बाय उधर, बाय बाय। सानवी दीदी अंदर है, चलो बाय बाय।